सेवन मिस्टेक जो तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल बर्बाद कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं, इसी वजह से तुम्हें रिक्रूटर के रीच आउट नहीं आते। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लिंक्डइन के ऊपर कम से कम 1.5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं मेरे और हर हफ्ते मुझे इतने सारे रिक्रूटर्स के रीच आउट आते हैं। बट ये पहले ऐसा नहीं था, पहले मुझे बिल्कुल भी रीच आउट नहीं आते थे। फिर मैंने ऐसी मल्टीपल चेंजेस करे मेरी प्रोफाइल के अंदर, स्पेसिफिकली 7 ऐसे चेंजेस करे जिनकी वजह से मुझे हर महीने बहुत सारे रीच आउट आने लगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के। और इस वीडियो मैं एक एक करके वही बता रहा हूँ। फटाफट से खोलता हूँ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपके लिए सारे मैंने चेंजेस रेडी करके रख रखे। अब यार मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो लिंक्डइन के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोई भी रिक्रूटर सर्च इंजन को यूज करके आपकी प्रोफाइल अगर रैंकिंग होती है टॉप पे तो उसको जाके चेकआउट करता है और उसी से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी हेडलाइन। अगर हेडलाइन में फालतू की चीजें लिख रखी है तो वैसे ही देखकर रिजेक्ट कर देगा कोई भी रिक्रूटर। तो मेक श्योर करो कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें आपका एक्सपीरियंस, आपका करंट रोल या फिर आपके स्किल्स मेंशनड हो, और वो भी कॉमा सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड होना जरूरी है बिकॉज सर्च इंजन उसी तरीके से काम करते हैं। तो आगे से अपना लिंक्डइन हेडलाइन सबसे पहले सुधार लेना। दूसरी बात आती है हमारी लोकेशन के ऊपर। जितनी भी मैक्सिमम जॉब्स होती है ना आईटी के अंदर इंडिया में, वो टेकअप्स के अराउंड होती है। तो आप मेक श्योर करना आपकी जो लोकेशन है वो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुड़गांव इसी के अराउंड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके लिए बैंगलोर सेट कर रखा है बिकॉज ये कि टेक हब है और टेक हब पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सिमिलरली आपको फटाफट जाके ओपन टू वर्क वाली जो एक प्रेफरेंसेस होती है जॉब प्रेफरेंसेस, उसमें ये वाली सेटिंग्स कर लेनी है अपनी प्रोफाइल पे जाके। करना क्या है, उन सारे रोल्स को मेंशन कर देना है जिसके लिए आप यू नो अप्लाई करना चाहते हो। साथ ही साथ ऑन साइट एज वेल एज रिमोट लोकेशंस वो होनी चाहिए जहां पे आपको टेक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, जैसे कि टेक हब। इंडिया में टेक हब्स मैंने बता दिए, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, ठीक है, ये सारे इंडिया के टेकअप हो गए। और मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल भी मेंशन कर रखे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। इसके अलावा और भी है, दुबई भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा हायरिंग होती है इंडिया से स्पेसिफिकली। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटर्स ओनली कर देना आपकी प्रोफाइल के ऊपर, वो ग्रीन कलर का सिंबल नहीं दिखना चाहिए, ओपन टू वर्क नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखना। SEO को और इम्प्रूव करने के लिए हम जाते हैं समरी के ऊपर, जो कि हमारा चौथा नंबर का मिस्टेक, तीसरा या चौथा जहां पर भी हम पहुंचे हैं अभी तक, ठीक है। समरी के अंदर आपको सारी चीजें लिख देनी है जो आज तक आपने करी, अपनी सारी प्रोफाइल, सारे स्किल्स, सारे पैशन, एवरीथिंग शुड बी मेंशन अलॉन्ग विथ योर ईमेल इन द समरी सेक्शन और अबाउट सेक्शन। ये पर्टिकुलर पार्ट ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। जब भी कोई यू नो स्पेसिफिक टर्म या स्पेसिफिक एक्सपीरियंस सर्च किया जाएगा कोई रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर द्वारा, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर, क्योंकि यार कोई भी सर्च इंजन या फिर कोई भी रैंकिंग होती है वो कीवर्ड्स के बेसिस पे होती है। तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो कीवर्ड्स की बात आती है तो आपके जो स्किल्स सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है, स्किल सेक्शन पढ़ते ही नहीं है। भाई ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को रैंक कराने में हेल्प करती है, और जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी उतने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगे। पहले मुझे नहीं आते थे, बट ये चेंजेस के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्किल्स की बात करूँ, यू नो 50 से ज्यादा स्किल्स डाल रखे मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो जितने ज्यादा स्किल्स होंगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रिक्रूटर्स कोई भी छोटा कीवर्ड भी सर्च करेंगी, स्पेसिफिक कीवर्ड भी सर्च करेंगी, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरी प्रोफाइल रैंक कर रही होगी। तो 50 से ज्यादा स्किल्स ऐड कर रखे हैं जैसे कि मैंने यहां पर भी, तो मेक श्योर करना आप सारे के सारे स्किल्स ऐड करो जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख भी रहे होंगे। अब यार सोच के देखो, आप जब इंस्टाग्राम पे जाते हो या फिर अमेज़न पे जाते हो तो एक कराउजल पोस्ट आपको बहुत ज्यादा दिखता है, और यहीं पर लिंक्डइन के ऊपर आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए फीचर्ड पोस्ट का फीचर होता है जिसमें आप गिटहब के प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, आप क्योंकि अचीवमेंट डाल सकते हो या फिर आपने कोई इंटर्नशिप क्रैक करी, हैकाथॉन पार्टिसिपेट किया, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब वो सारे पोस्ट आपको यहाँ पे शेयर करने हैं क्योंकि जब भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आएंगे तो उनकी अटेंशन ग्रैब करेंगी यही फीचर्ड पोस्ट। और सोच के देखो, अगर कुछ आपका अचीवमेंट हुआ तो डेफिनेटली उन पर एक इम्पैक्ट जाएगा और वो आपको रीच आउट करेंगे ही करेंगे। अब कोई भी एक्सपीरियंस होता है ना तो उसको शेयर करने में आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत काम आती है, बट लिंक्डइन के ऊपर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल में कर रखा है। पहला होता है अचीवमेंट, दूसरा होता है लर्निंग, तीसरा होता है इम्पैक्ट क्या था, मतलब इसको ऑर्डर कुछ भी रख लो आप, अचीवमेंट आपका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड जो भी आपकी लर्निंग थी वो काम करते हुए। अगर आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लिख रखा है इंटर्नशिप का या फिर फुल टाइम जॉब का और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा उसके अंदर, भाई कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देख के रिजेक्ट कर देगा। तो मेक श्योर करना इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, अचीव
अचीवमेंट एंड लर्निंग, और आप एक एग्जाम्पल के लिए मेरी प्रोफाइल से रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, कैसे आप कनेक्शन इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोग आपसे कनेक्ट करें। तो उसका सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों के पोस्ट पे कमेंट करो, लोगों के पोस्ट को लाइक करो और कंटेंट बनाओ। अब यार दुनिया बोलती है कि यार किस तरीके का कंटेंट बनाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो कि शायद ही किसी को पता है। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब जब मैं कोडिंग से रिलेटेड, कोड रिव्यू से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वर्क करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अराउंड कुछ भी पोस्ट शेयर करता हूँ तो मुझे रिक्रूटर्स के रीच आउट्स आते हैं। तो आप जो भी अभी करंट रोल में हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके अराउंड कोई भी चीज आप शेयर करते हो इन कमेंट्स एज वेल एज इन अ पोस्ट, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको रिक्रूटर्स रीच आउट करेंगे, बिकॉज वो वाले पोस्ट की रीच बहुत ज्यादा होती है। अपेरेंटली इट्स अ ग्राफ, और आपको अटेंशन ग्रैब होती है रिक्रूटर्स की, हायरिंग मैनेजर्स की, एंड यू विल गेट दैट, मतलब आपके पास रीच आउट आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप लिंक्डइन पे कुछ भी पोस्ट करना है, सोचो मैं दुनिया बोले जा रही है कुछ भी पोस्ट कर दो, आपको सिर्फ इतना पोस्ट करना है जो कि आप करेंटली काम कर रहे हो, और उसी से आपको रीच मिलेगी, उसी से आपको रीच आउट आएंगे। एक इंपॉर्टेंट बोनस टिप बता देता हूँ, कैसे आप इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करोगे और कैसे आप पोटेंशियल हायरिंग मैनेजर्स और फाउंडर्स को रीच आउट कर सकते हो जो कि हायर कर रहे हैं। तो आपको सर्च बार में जाना है, वहां पे लिखना है हायरिंग, एंड यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स चलते हैं एंड फाउंडर, और फिर यहाँ पे आपको सारे फाउंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी पीपल टैब पे जाकर जो कि करंटली हायर कर रहे हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट स्टार्टअप फाउंडर्स या सीईओज या डायरेक्टर्स जो कि हायर कर रहे हैं इस दौरान। ये हैक मैंने बहुत सारे लोगों को पहले बताई है, मेरे वीडियोज में बताई है, और लोगों को एक्चुअल में इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है। फ्लिपकार्ट क्रिकेट पॉडकास्ट भी देख लेना। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो रेज्यूमे होता है उसके अंदर लाइव प्रोजेक्ट्स जो डालते हो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, तो बट मेक श्योर करना आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर लॉग इन पेज पे प्रीफिल्ड क्रेडेंशियल्स हो या फिर गेस्ट अकाउंट लॉग इन हो, बिकॉज कोई भी आपकी प्रोफाइल पे लॉग इन नहीं करेगा भाई। तो लॉग इन हटाओ, फ्री एंट्री दो, अपना प्रोजेक्ट दिखाओ और इम्पैक्ट क्रिएट करो। आई होप इस वीडियो मजा आया होगा, बहुत छोटा सा मैंने वीडियो रखा है, तो कमेंट करके जरूर जाना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो आइडिया भी शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।